इस वर्ष 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम की कपाट खुल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बिना चार धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा या दर्शन करने के बाद ही यात्रा सफल होती है, इसलिए आज हम आपको बद्रीनाथ धाम से संबंधित सारी जानकारी देंगे। जैसे आपको बद्रीनाथ धाम कैसे जाएं, कहां से शुरू करें, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, बस कहां मिलेगी, कब जाना चाहिए, होटल खर्च इत्यादि, यह यात्रा कितने दिनों की होगी, इन सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम चार धाम यात्रा से संबंधित सारी अपडेट आपको टाइम पे हम देते रहें। दोस्तों, चार धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ जी हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना होगा। आपके लिए सबसे अच्छा हरिद्वार ही होगा, क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए डायरेक्ट बस मिलती है। इसके लिए आपको हरिद्वार एक दिन पहले आना होगा, ताकि सुबह में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बस मिलती है और वह आप पकड़ लें। लेटेस्ट 8 बजे तक ही मिलती है। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 310 किलोमीटर है। यह आपको 10 से 11 घंटा में पूरी होगी, जिसमें भाड़ा आपको लगभग 700 से 800 होगा। पिछले साल 646 रुपया था, लेकिन इस बार कुछ भाड़ा बढ़ने के चांस हैं, इसलिए आपको 760 रुपया लगेंगे। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 20 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहां से भी बद्रीनाथ जा सकते हैं, या आप ऑनलाइन रेट बस या मेक माई ट्रिप पर बस बुकिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ऋषिकेश आपका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। दोस्तों, अगर आप 3-4 आदमी हैं तो प्राइवेट टैक्सी बुकिंग कर सकते हैं, यह आपको 8 से 10 हज़ार रुपया लेगा। अगर आप हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आपको डायरेक्ट जो सीमट के लिए मिल जाएगी, वहाँ से आप मॉर्निंग में बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपया होगा। और आप बद्रीनाथ जी अपने यहाँ से अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में रुकने की बहुत सारी व्यवस्था है, इसमें आश्रम, लॉज, डॉर्मेट्री इत्यादि। किराया आपको 300 रुपया से लेकर 500 रुपया चार्ज कर सकता है। आप होटल भी रुक सकते हैं, यहाँ पर आपको होटल 1000 से लेकर 5000 तक किराया लगेगा। आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। यह सीजन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यह मई जून में इसका प्राइस पीक पर रहता है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर आपको खाना नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है खाना का प्रकार थाली सिस्टम है, यहाँ पर जो है 100 रुपया से लेकर 200 रुपया प्लेट या थाली मिलती है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि बद्रीनाथ जी का मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ का तापमान कम रहता है, जिसके कारण आपको ठंड महसूस होगी, इसलिए आपको गर्म कपड़े और रेनकोट अवश्य साथ में ले लेना चाहिए। बद्रीनाथ धाम के लिए सबसे अच्छा समय मई, जून और सितंबर अक्टूबर है, और जून जुलाई में यहाँ पर बारिश की वजह से पहाड़ों पर भूस्खलन होने का खतरा रहता है, जिससे दुर्घटना होने का चांस अत्यधिक रहता है। तो इसलिए इसके कारण हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप या शुरू में जाइए या लास्ट में। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो आपको 2 नाइट स्टे और 3 दिन का होना चाहिए। आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने में 10 से 11 घंटे लगे।
कर्म कुंड में स्नान करके आपको बद्रीनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। धाम में स्थित कर्म कुंड में स्नान करके आपको बद्रीनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। दोस्तों बद्रीनाथ बस स्टैंड पहुंचने के बाद आपको बस स्टैंड से आधा किलोमीटर कहीं दूरी पर स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे भगवान बद्री विशाल के मंदिर। आप पैदल भी पैदल जा सकते हैं। दोस्तों आपको सुबह में बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद विशाल जी का दर्शन करने के बाद मंदिर के पास में ही स्थित बाजारों से अपने घर के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत का अंतिम गांव माना गांव है जहां पर आप जा सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारी प्राचीन कालीन साक्ष मिलेंगे जैसे कि सरस्वती माता का नदी, सरस्वती माता का मंदिर, पांडव कालीन चिन्ह जैसे कि पांडव जिस मार्ग से स्वर्ग गए थे वहां के और वहाँ की कुछ लोकल प्रोडक्ट जिसे आप लोग खरीद कर वहाँ आप दोस्तों उस दिन आपको माना गांव घूमने के बाद शाम हो जाएगी और शाम होने में आपको वहीं पर बद्रीनाथ जी में आकर रात्रि विश्राम करना है और सुबह में आपको